वही पुराने रूफटॉप कैफेज में जा जाके बोर हो चुके हो, एंड सिंस अब सर्दियां आ चुकी है तो आई एम श्योर आप सब रूफटॉप कैफेज ढूंढ रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एकदम ब्रांड न्यू रूफटॉप कैफे जो कि खुल चुका है NSP पैसिफिक मॉल के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलता है रोमियो लेन, रोमियो लेन का ही एक नया वर्जन खुला है विच इज बर्च बाय रोमियो लेन, तो वही हम आपको दिखाने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड, इनफैक्ट हम तो पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं और हमें सीरियसली इतना पसंद आया ना, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम फटाफट से आपको दिखाते हैं यहाँ का एम्बियंस। यहाँ पर डबल टेरेस आपको मिल जाती है और क्या रूफटॉप व्यू है, इतनी लक्स वाइब है ना इसकी। सो लेट्स जस्ट गो ऑन एंड स्टार्ट दिस वीडियो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। बर्च बाय रोमियो लेन आपको पैसिफिक मॉल NSP के रूफटॉप में मिल जाता है, और इसकी एंट्री बाय गॉड इतनी सुंदर बनाई हुई है ना, मतलब इसकी एंट्रेंस से ही आपको ऐसी फील आनी शुरू हो जाएगी कि आप कहीं तो आए हो, मतलब एकदम डिफरेंट ही जगह पर आ गए हो। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो यहाँ पर बेसिकली आपको डबल टेरेस मिल जाती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको थोड़ा सा इंस्टाग्रामेबल बनाने के लिए ना इन्होंने दोनों साइड पे स्टेयर्स बनाई है, वो जैसे स्पाइरल वाली स्टेयर्स होती है ना वैसे से बनाई हुई है, मतलब एकदम सिमेट्रिकल उसमें बनाई हुई है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी आप जा सकते हो, राइट हैंड साइड से भी जा सकते हो, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी वाइब है इसकी। डे वाइब अगर हम देखें इसकी यहाँ पर, तो ये जो आप आउटडोर इसका एरिया देख रहे हो नीचे वाली जो टेरेस है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी पूरी की पूरी थीम नाइस ग्रीनरी वाली है, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट बर्च, बर्च का मतलब होता है ये एक टाइप ऑफ ट्री ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ट्रीज बहुत सारे मिलेंगे, और इतने बड़े बड़े पॉट्स हैं ना, इतने सुंदर सुंदर पॉट्स हैं। यहाँ पर आपको लाइव सिंगिंग के लिए स्टेज भी मिल जाता है, और सीटिंग्स भी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर है, टेबल फॉर टूज भी हैं जो कि इसको कैफ़े फॉर कपल्स इन दिल्ली बनाती है, मतलब आई फील दिस इज़ द बेस्ट कैफे फॉर कपल्स इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर आप आकर अपना इंजॉय कर सकते हो, डेट पर आ सकते हो, अगर आप कोई डेट कैफेज ढूंढ रहे हो या डेट प्लेसेस ढूंढ रहे हो दिल्ली में, तो काफी अच्छी जगह है ये। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बार काउंटर भी है, तो अगर आप अल्कोहल कॉकटेल्स वगैरह लेना चाहते हो तो आपको पता ही है कि यार रोमियो लेन की कॉकटेल्स तो बेस्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ के मिक्सोलॉजिस्ट ना बिल्कुल ही अलग टाइप के होते हैं और आपको कुछ यूनिक ही मिलेगा यहाँ पर कॉकटेल्स में। अब हम आपको लेकर चलते हैं बर्च बाय रोमियो लेन के रूफ टॉप पर, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब यहाँ से आपको नीचे का व्यू जो दिखता है ना, मतलब बाय गॉड मज़ा ही आ जाता है ऊपर से व्यू देखने में, और प्लस अब जैसे विंटर्स आ रही है ना तो इतना मज़ा आने वाला है। सो आई फील अगर आप जैसे कोई रूफटॉप कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये नया है, तो हम पुराने पुराने कैफेज में जाके बोर हो चुके हैं, तब क्रिसमस टाइम भी है सो हम डेफिनेटली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बर्च बाय रोमियो लेन का इंडोर कैफे, एंड दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल, सो डैम लग्जूरियस, मतलब यहाँ पर आपको इतनी फाइव स्टारिश सी वाइब मिलेगी ना जैसे आप एंटर होते हो, तो यहाँ पर सीटिंग्स तो इतनी अच्छी बनी हुई है, ऊपर से ना यहाँ पर इन्होंने एक बिल्कुल सेंटर में एक वो बनाया हुआ है ट्री सा है, और ऊपर इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है जैसे रोशनदान काइंड ऑफ बनाया हुआ है कि वो ट्री ग्रो हो रहा है उसकी वजह से, मतलब वो नेचुरल नहीं है बट वो दिखाया हुआ है इन्होंने कि जैसे वो नेचुरल हो। इसके अलावा यहाँ पर टेबल फॉर टूज अगेन बहुत सारे हैं जो कि आपको एकदम रोमांटिक वाली वाइब देते हैं, आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ना बेस्ट पार्ट इज़ कि एक PDR ही समझ लो या फिर अलग से सेक्शन समझ लो, तो ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जो कि मतलब आपको प्राइवेसी देने के लिए है, काफ़ी बड़ा सा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ, और अंदर ना मैट्स लगे हुए हैं तो वो एकदम वाइब में ना ऐड करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है लिटरली, एंड वहाँ पर आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो, कुछ आपको प्राइवेसी मिल जाएगी, सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ हाईलाइट। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको बार काउंटर मिल जाता है काफ़ी अच्छा सा, और एक ना इन्होंने यहाँ पर एक वॉल सी बनाई है जिसके अंदर शो पीसेस स्टैचूज ये सब लगाए हुए हैं, और शैंडलियर्स वगैरह तो इंडोर में इतने सारे लगे हुए थे ना, तो मतलब ओवरऑल पूरे कैफे की वाइब, कहीं पर भी बैठ जाओ आप बिल्कुल ही अलग टाइप की वाइब है। भाई यहाँ का आपने एम्बियंस देखा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है, मतलब
इतना ज़्यादा यूनिक टाइप का बना हुआ है ना ये NSP में, जितने भी आप इनके स्काई वॉक में देखोगे कैफेज, वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का बना हुआ है। प्लस यहाँ पर डबल टेरेस है। नाउ मूविंग ऑन टू द फूड, फूड में अगर देखें ना तो फूड में यहाँ पर आपको मल्टी क्विजीन तो मिल ही जाता है। तो सबसे पहले हमने जो ट्राई किया था यहाँ पर, दैट वॉज पिज्ज़ा, जो कि हम हर रोमियो लेन में ट्राई करते हैं, बिकॉज इनका पिज्ज़ाज तो अच्छे होते ही होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमें यहाँ का पिज्ज़ा का प्राइस थोड़ा कम लगा, मतलब और रोमियो लेन की ब्रांचेस से भी कम है। मतलब रोमियो लेन गुड़गांव ले लो आप, उसका भी 600 के आसपास था, या फिर अगर हम ये सिविल लाइन वाला ले तो उसका भी 550 के आसपास ही है, एंड हियर इट वॉज 529। तो हमने लिया था कैरमलाइज मशरूम्स एंड अनियंस विद गोट चीज़ पिज्ज़ा, एंड इट वॉज सो डैम टेस्टी। ये बेसिकली जो गोट चीज़ होता है, ये गोट के मिल्क से बनता है, एंड मशरूम्स का भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा था, चीज़ का तो अच्छा डेफिनेटली आ ही रहा था, प्लस इट वॉज थिन क्रस्ट, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यू कैन डेफिनेटली हैव दिस व्हेनेवर यू आर कमिंग टू रोमियो लेन। इसके अलावा हमने साथ में ले लिया था सिट्रसी सेंसेशन, सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। ये बेसिकली आपको जो ड्रिंक मिलती है एक लंबे से ग्लास में आती है, और इसके अंदर बेरीज, मिक्स ऑफ बेरीज होती है, और ऊपर इन्होंने टॉप करी होती है, चेरीज लगाई होती है ग्लास में, और इसका थोड़ा सा टेस्ट जैसे ऑरेंजिश मिंटिश, तो मतलब काफ़ी रिफ्रेशिंग सा टेस्ट होता है, स्वीट में भी आ जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा टैंगी टेस्ट होता है, तो इट वॉज ऑल्सो नाइस। नेक्स्ट वी हैड स्टफ्ड पनीर टिक्का, क्योंकि वो भी इन्होंने बोला काफ़ी यूनिक है, तो वेन वी हैड इट, मतलब उसके लिए हमें वेट तो खैर काफ़ी देर करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका प्रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अराउंड 30 मिनट्स हमने उसका वेट किया, बट द वेट वॉज वर्थ इट बिकॉज इट वॉज सो डैम टेस्टी। मतलब इसके अंदर ना बेसिकली आपको 4 पीसेज मिलते हैं, प्राइस मुझे थोड़ा सा हाई लगा इसका, क्योंकि सिर्फ 4 पीसेज आते हैं, बट अगेन यू नो पनीर इज ऑलवेज कॉस्टली एंड इट्स हैवी ऑल्सो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि पनीर का जो पीस होता है उसके अंदर स्टफिंग होती है, और स्टफिंग किस चीज़ की थी ये मुझे थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया। तो इसके अंदर कुछ कोरिएंडर का टेस्ट आ रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैश्ड पोटेटोज हो और क्रीम हो, और एक आधी वाइट में तो मुझे ग्रीन चिली का भी टेस्ट आया, तो मतलब आई ही थी इनफैक्ट मुँह में हल्की सी उसकी ना टुकड़ा सा, तो इट वॉज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पनीर टिक्का था। जैसे आप नॉर्मली तंदूरी पनीर टिक्का खा खा के बोर हो चुके हो, तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये कुछ आपको यूनिक सा टेस्ट देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर मंगवा ली थी कोल्ड कॉफ़ी, वो भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, और इसका भी प्राइस यार काफ़ी अफोर्डेबल लगा, मतलब 295 रुपीज़ का, जो कि आप नॉर्मली किसी भी कैफे में जाओगे 300 के आसपास तो होती ही होती है, तो यहाँ पर आपको एम्बियंस अच्छा मिल ही रहा है, साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी काफ़ी अफोर्डेबल मिल रही है, एंड मी बींग अ कॉफ़ी लवर मैं तो डेफिनेटली ये मिस नहीं कर सकती थी। वैन वी ट्राइड एंड सो इट वॉज वेरी नाइस, मतलब बेसिकली कॉफ़ी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं थी, बट द टेस्ट वॉज डिसेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पास्ता कैसे मिस कर सकते थे, तो हमने पास्ता मंगवा लिया इनका, एंड दिस टाइम हमने स्पेगेटी नहीं मंगवाया, हमने मंगवाया पेने पास्ता एंड इन अल्फ्रेडो, सो इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। इसके अंदर ब्रोकली का तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था, प्लस इसके अंदर कुछ बेल पेपर्स भी डली हुई थी, बेबी कॉर्न्स थे, कैरेट थी, मशरूम्स का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी नाइस एंड अगेन वेरी अफोर्डेबल, 429। मतलब सीरियसली पिक्चर में भी इससे महंगा पास्ता मिलता है, बट हाँ वही है कि टेस्ट का तो नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज इट स्पेशलाइजेज इन पास्ता, बट अगेन उसमें आपको एम्बियंस नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एम्बियंस काफ़ी तगड़ा मिलता है। नाइट में तो ये बहुत ज़्यादा लिट अप हो जाता है, जब इसकी सारी लाइट्स वगैरह चल जाती है ना तो ये और ज़्यादा प्रिटी लगता है, और इसका बार काउंटर भी पूरा लिट अप हो जाता है। इनफैक्ट जो इनके सारे बर्च वाले बोर्ड्स हैं ना वो इतने सुंदर लगते हैं ना दूर से ही, बर्च बाय रोमियो लेन जिस पर लिखा हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और आप यहाँ पर पिक्चर्स इतनी सारी जगहों पे क्लिक कर सकते हो, मतलब आप थक जाओगे बट आपकी पिक्चर्स क्लिक कराने वाला वो नहीं थकेगा। तो मतलब ओवरऑल आप किसी भी टाइप का कैफे ढूंढ रहे हो ना, आपको सब कुछ यहाँ पैसिफिक मॉल NSP के बर्च बाय रोमियो लेन में मिल जाता है, चाहे आप कैफे फॉर कपल्स इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, चाहे कैफे फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, या फिर डेट प्लेसेस इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हो, या फिर आप फैमिली गेट टुगेदर पे आना चाहते हो, मतलब रोमियो लेन इज दैट वन आइडियल प्लेस फॉर ऑल योर नीड्स।
काफी लोग हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर हुक्का अवेलेबल है या नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि रोमियो लेन में हुक्का तो अवेलेबल होता ही है, एंड दिस इज बर्च, यू कैन सी हियर बर्च बाय रोमियो लेन, तो यहाँ पर भी अवेलेबल है हुक्का, एंड प्राइजेस इसके हैं 2000 प्लस टैक्सेस जो कि अराउंड 2300 के अराउंड पड़ते हैं, और यहाँ पर सर्विस चार्जेस मैंडेटरी है, मतलब इनका ना कुछ ऐसे स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन वाला है वो, तो आपको सर्विस चार्जेस यहाँ पर देने ही पड़ते हैं, ऑप्शनल नहीं है, तो इसलिए आपका कुछ 2300 के अराउंड पड़ जाता है हुक्का। एंड उसके अलावा और भी कमेंट्स आते हैं कि स्टैग एंट्री अलाउड है या नहीं, तो स्टैग एंट्री यहाँ पर वीकेंड्स पे तो स्पेशली अलाउड नहीं है, एंड किड्स भी अलाउड यहाँ पर नहीं है, वीकडेज में फिर आ सकते हैं किड्स, बट वीकेंड्स में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है एंड मतलब वीकेंड्स पे और रात को ना ये हाई एनर्जी बार में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वाज बर्च रोमियो लेन फॉर यू, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा और आप कब विजिट करने वाले हो नेक्स्ट। इससे पहले हमने इंडस लेवर भी किया हुआ है, बिल्कुल साथ में ही है, मतलब एक कैफे छोड़ के है, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा प्यार मिला आप लोगों से, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये वाला कैसा लगा आपको कैफे, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आया, एंड रोमियो लेन इज एनी विच वेज आर फेवरेट, मतलब हमने जितने भी दिल्ली एनसीआर में रोमियो लेन है सब कवर करें, चाहे वो रोमियो लेन गुड़गांव हो, रोमियो लेन सिविल लाइंस हो, रोमियो लेन एनएसपी है ये वाला, इसके अलावा रोमियो लेन डिफेंस कॉलोनी भी है, वो भी हमने कवर किया हुआ है, तो आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, ऊपर कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होम, थोड़ा सा मॉल घूम के आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।